हमारी कोविड ड्यूटी हमें ना सिर्फ जिस्मानी तौर पे थकाती हैं पर एक जज्बाती तौर पे भी तोड़ के रख देती हैं। जब हम इतनी सारी बेवक्त और बेवजह मौतें देखते हैं तो हमारे अंदर का भी एक छोटा सा टुकड़ा मर जाता है हमेशा के लिए। हम कई महीनों तक अपने घर नहीं जा पाते, कोविड ड्यूटी उसके बाद क्वारंटीन उसके बाद फिर कोविड ड्यूटी की साइकिल में बंधे हुए हैं एक लंबे अरसे से। लेकिन पिछली दो कोविड वेव में डॉक्टर्स ने अपने फर्ज से कहीं आगे बढ़ के कुर्बानियाँ दी और हम आगे भी देंगे। अगर कोई आपदा आती है, कोई युद्ध होता है या कोई भी दिक्कत आती है देश को जिसमें हमारी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये जो थर्ड कोविड वेव होगी ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं होगी, ये वो मुसीबत है जो हमारा समाज खुद अपने सर पे फोड़ रहा है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स का पालन ना करने की वजह से गलती पूरा समाज करेगा लेकिन उसका खामियाजा मरीजों को और उनको ट्रीट करने वाले डॉक्टरों को भुगतना पड़ेगा। It's like healthcare workers have been working so hard during the first and the second wave. We have just barely gotten by the second wave, and even then, I see people walking around without masks. I mean, this is an extreme level of callousness. Healthcare workers have shown courage, but we can't take that courage for granted. It just kills me when I see people just roaming about in groups, partying, and here as healthcare workers, we're sitting, manning the front line, seeing people die every day, and nothing affects people anymore. ये बहुत ही saddening है, मगर second wave में doctors ने दुगनी मेहनत की, ज़्यादा काम किया, भले oxygen की कमी होने की वजह से, bed की कमी होने की वजह से, या बाकी amenities से कमी होने पे भी doctors ने कभी हार नहीं मानी, अपना best दिया। अब स्थिति ये हो चुकी है कि खुद के डॉक्टर्स के अपने घर के लोग उनके दोस्त मित्र की मृत्यु होने के बावजूद वो लगातार लगे रहे, मगर अब जब थर्ड वेव आने की उम्मीद होने लगी है, जब सारे डॉक्टर्स सारे प्रोफेशनल्स इस चीज़ का प्रेडिक्शन करने लगे हैं कि थर्ड वेव आ सकती है, लॉकडाउन दोबारा से खुल चुका है, तो अब खुद डॉक्टर्स की हालत ख़राब होती जा रही है, चीज़ें ख़राब हो रही हैं, एमिनिटीज फैसिलिटीज़ अब सरकारी प्रबंधन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, इस थर्ड वेव को हमें बचाना पड़ेगा, वैक्सीनेशन लगवानी पड़ेगी और जितना ज़्यादा हो सके कोविड प्रोटोकॉल्स का फॉलो करना पड़ेगा। फॉर पास्ट वन एंड हाफ ईयर्स वी बीइंग नोन दैट वी आर गोइंग इन टू द बैटल फील्ड, वी डोंट हैव गारंटी फॉर आवर ओन लाइफ, वी डोंट हैव गारंटी फॉर आवर ओन हेल्थ। In spite of this, we don't even think a second, we don't even get a second thought. Only thought we have in our mind is to make this world get rid of this pandemic, to make my patient live for longer, to make my patient live happily, to make my patient to have a better life in future. So, but after all these things, I'll tell you friends, whatever the world is facing, even we doctors are facing, even my family is getting infected, even we are getting infected. On top of it, what are we getting? The physical exhaustion, the mental exhaustion. We are sacrificing our own academics for the purpose of saving the patients' lives, to saving the society from this pandemic. Upon all of this, we sacrificing so much. Is that worth we doctors getting beaten up? What is the society up to? We just ask the society to treat us as humans. Of course, the second wave we have crossed, we have managed it well. The third wave is upcoming. But still, I tell, we are ready confidently. We are ready in the frontline warriors to face the third wave. Only motto we have is for the betterment of the world. थर्ड वेव, जैसे कि आपने देखा होगा कि थर्ड वेव की जो आशंका जताई जा रही है, हम उसमें श्योर नहीं है कि वो आएगी भी नहीं आएगी, बट जैसा कि हमारे सीनियर डॉक्टर ने बताया कि थर्ड वेव जैसे आ रही है, हम प्रिपेयर तो हैं लेकिन मेंटली एक थोड़ा सा हमारे अंदर आशंका है, थोड़ा डर है कि कैसे हम इन सब चीज़ों से मतलब लड़ेंगे, कैसे फाइट करेंगे, क्योंकि सब एग्जॉस्ट हो चुके हैं हमारे डॉक्टर्स भी, उनको भी एक मोटिवेशन की जरूरत है। हमारी गवर्नमेंट को थोड़ा सा डॉक्टर्स की तरफ ध्यान भी देना चाहिए कि
उनको समय समय पर मनोबल बढ़ाना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे प्रधानमंत्री जी से और हमारे हेल्थ मिनिस्टर से कि आप एक बार यंग डॉक्टर के साथ एक मीटिंग करें और उनका हौसला बढ़ाएं, या उनको कुछ भी फेलिसिटेट करें या उनको एक अप्रिसिएशन दें ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम देश की सेवा में जी जान लगा के देश की सेवा कर सके। पिछले दो वेव के बाद हमारे स्वास्थ्य सिस्टम और हमारे स्वास्थ्य कर्मियों पर बहुत ज्यादा लोड बढ़ा है और लगभग हमारे स्वास्थ्य कर्मी एग्जॉस्टेड हो चुके हैं। ये बात दूसरी है कि कोई भी स्वास्थ्य कर्मी पीछे हटने को तैयार नहीं है क्योंकि ये उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन अभी लॉकडाउन खुलने के बाद सेकंड वेव में जब पेशेंट्स घटने शुरू हुए हैं तो देखने को मिलता है कि आम आवाम अपना कोविड बिहेवियर फिर से भूलने लगे हैं। इसलिए आम आवाम से अनुरोध है, आग्रह है कि आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का सख्ती से पालन करें, दो गज की दूरी का मेंटेन करें, भीड़ भाड़ वाली जगह को जाने से बचें, यदि जरूरी नहीं हो तो घर से बाहर नहीं निकले, आप कभी भी घर से बाहर निकले तो मास्क का जरूर उपयोग करें, अब आप दूरी का मेंटेन करें, हाथ सैनिटाइज करें, अपने बच्चों को घर पे रखें, इस तरह के तमाम जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका सख्ती से पालन करें। सरकार से भी अनुरोध है इस बार कम से कम जो स्वास्थ्य उपकरण है, वेंटिलेटर्स है, ऑक्सीजन है, मेडिसिन है, इस सब का हमारे जो अस्पताल है सुदूर अस्पताल से लेकर सेंट्रल अस्पताल तक या जो टर्शरी सेंटर प्राइमरी सेंटर सब में ड्रग्स और स्वास्थ्य उपकरण का अभाव नहीं हो, जिससे कि हमारे स्वास्थ्यकर्मी और साथ ही साथ हमारा जो स्वास्थ्य सिस्टम है वो फिर से कोलैप्स नहीं हो, हमारा इकोनॉमी डाउन नहीं हो, हमारे बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं हो, लोगों का रोजगार नहीं जाए। इस सब से बचने का एक ही उपाय है कि सभी आम जनता कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करे और सरकार की भी दायित्व बनती है इस बार सेकेंड वेव की तरह हमारा स्वास्थ्य सिस्टम कोलैप्स नहीं हो। लगातार कोविड वार्ड में ड्यूटी करते हुए इस वक्त डॉक्टर पूरी तरह से जो है अपने आप को बहुत ही ज़्यादा जो है थका हुआ महसूस कर रहे हैं और वो वजह साफ है कि मैन पावर की एक बेहद कमी रही है और दूसरी ये चीज़ कि जो है जो चीज़ें ज़रूरत की चीज़ें जो जिम्मेदारों से मांग की गई उनके सामने जो रखी गई वो सब वो मुहैया कराने में असमर्थ रहे। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि जो अगर सैलरी की बात की जाए तो तीन चार महीने जो है स्टेट मेडिकल कॉलेज में हेल्थ केयर वर्कर्स के और जो दूसरे ना ही सिर्फ डॉक्टरों के बल्कि दूसरे जो वर्कर्स हैं उनकी भी 6-7 महीने तक सैलरी नहीं दी जा रही है। और एक मैं ये भी रखना चाहूँगा कि बेहतर मेंटल स्टेटस डॉक्टरों की किया जा सकता है कि जैसे कोविड में ड्यूटी करने के बाद जो पैसिव क्वारंटाइन जो है दिया जाता था डॉक्टरों को वो ख़त्म कर दिया गया है। हालांकि अभी हमारे यहाँ तो है लेकिन मैं बात करना चाहूँगा KGMC और दूसरे स्टेट मेडिकल कॉलेज का कि वहाँ पे जो पैसिव क्वारंटाइन पहले जो है 7 दिन ड्यूटी करने के बाद 7 दिन जीत दी जाती थी वो अब 3 दिन कर दी गई है। तो मैं मांग करना चाहूँगा सरकार से कि इसमें जो सीनियर जो हेल्थ वर्कर हैं जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उनको इसकी जिम्मेदारी दी जाए ताकि वो और बेहतर ढंग से जो है कोरोना क्राइसिस को मैनेज कर सके। तो मेरी आपसे गुजारिश है अपने लिए जिनको आप प्यार करते हैं उन लोगों के लिए, हम डॉक्टर्स के लिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली भारत देश को मजबूत बनाने के लिए खुद को कोविड से सुरक्षित रखें, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स का पालन करें।